हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सॉरी फॉर डिले। आज का अपना टॉपिक है आर्टेरियल ब्लड गैसेस मींस एबीजी। इसके अंदर अपन इसकी नॉर्मल वैल्यूज की बात करेंगे और इसको एबीजी का सैंपल कैसे लेते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या है क्या नहीं है वो अपन देखने वाले हैं। आर्टेरियल ब्लड गैसेज मींस एबीजी आर एन इम्पोर्टेंट रूटीन इन्वेस्टिगेशन टू मॉनिटर द एसिड बेस इम्बेलेंस ऑफ द पेशेंट। देखिए, एबीजी एक इम्पोर्टेंट रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है किसके लिए, एसिड बेस इम्बेलेंस को चेक करने के लिए। एसिड बेस को मैंने कंप्लीट लास्ट वीडियो में बताया है क्या होता है, वो एक बार आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। देन दे मे हेल्प टू मेक डायग्नोसिस, इंडिकेट्स द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, हेल्प टू असेस ट्रीटमेंट। देखिए, एबीजी एक हेल्प करती है, डायग्नोसिस करती है किसके अंदर, इंडिकेट ऑफ सीवियरिटी ऑफ कंडीशन। कोई पेशेंट अगर सिक है या सीरियस है तो उसकी सीवियरिटी को इंडिकेट करती है एबीजी। ओके, और ये हेल्प करती है किसके अंदर, ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। देन ब्लड फॉर एबीजी एनालिसिस कैन बी ऑब्टेन बाय द आर्टेरियल पंचर, यूजुअली फ्रॉम द रेडियल एंड फीमरल आर्टरी। अपन एबीजी का सैंपल कहाँ से लेते हैं, कौन से आर्टरी से लेते हैं, यूजुअली अपन कहाँ पंचर करते हैं, रेडियल और फीमरल आर्टरी के अंदर अपन सैंपल लेते हैं, वहां पंचर करते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट helps in the maintaining the blood pH value. HCO3 bicarbonate किसमें help करता है, blood की pH maintain करने में। ठीक है, next kidney and lungs work in our body as a compensatory mechanism. kidney और lungs अपने body के अंदर work करते हैं किस तरह, एक compensatory mechanism की तरह काम करते हैं। ठीक है, introduction के बाद देखिए What is the ABG? ABG क्या है और इसके अंदर क्या एनालिसिस करते हैं अपन, तो डेफिनेशन देखिए। आर्टेरियल ब्लड गैसेज एनालिसिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। पहली बात है कि जो एबीजी है उसका एनालिसिस एक एसेंशियल पार्ट होता है किसका, एक डायग्नोसिस का। एंड मैनेजिंग द पेशेंट ऑक्सीजेशन स्टेटस, वेंटिलेशन स्टेटस and acid base balance. It means the ABG explain about the oxygenation status, ventilation status or acid base balance. Means ये status बताता है, ABG किसका status बताता है, oxygenation status बताता है और ventilation status बताता है और acid base balance के बारे में अपन को बताता है। Got it? Next, अब indication. इंडिकेशंस में क्या, देखिए ज्यादातर एबीजी किस कंडीशन में लेते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, वेंटिलेटेड पेशेंट हो, वेंटिलेटेड पेशेंट हो तब लेते हैं, या फिर कोई रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हो तब एबीजी सैंपल लेते हैं अपन। नेक्स्ट कार्डिक फेलियर के अंदर लेते हैं, रेनियल फेलियर के अंदर लेते हैं, सेप्सिस और ब्रंक की केस में भी लेते हैं और लास्ट पॉइजनिंग की केस में लेते हैं। ये इसके इंडिकेशन की अपन एबीजी किस कंडीशन में अपन लेते हैं। ठीक है, पर्पज क्या है इसको लेने का, देखिए टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ द एसिड बैलेंस बेस। इसके अंदर अपन एसिड बेस बैलेंस का प्रेजेंस देखते हैं कि एसिड कितना है, बेस कितना है, कितना पीएच है, वो सारा कुछ अपन देखते हैं। टू चेक फॉर सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड लंग्स डिजीज। अगर किसी पेशेंट को लंग्स डिजीज है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है सीवियर, तो उसके अंदर अपन एबीजी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असिस्मेंट ऑफ द रेस्पॉन्स टू द थेरापेटिक इंटरवेंशन इसका असिस्मेंट रखते हैं। और पेशेंट अगर वेंटिलेशन पे है तो उस टाइम भी एबीजी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कलेक्शन ऑफ अन एबीजी स्पेसिमेन। फर्स्ट पॉइंट ओपन वाइटल साइंस। ठीक है, अपन वाइटल चेक करने हैं, डिटरमाइन वेदर द
The client has an arterial line in place. Allow for arterial blood sampling without punching the to the client. ठीक है, आर्टियल लाइन को डिटरमाइन करेंगे. अगर कोई पेशेंट का आर्टियल लाइन गल रहे हैं तो अपन वहां से सैंपल ले सकते हैं. किसको अवॉइड करेंगे यहाँ पे? अनोदर पंचर या फर्दर पंचर, पंचर को अवॉइड करेंगे. ठीक है, क्योंकि अपन कहां से सैंपल ले रहे हैं? आर्टियल लाइन से. थर्ड पॉइंट क्या है? परफॉर्म द एलन टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द कोलेटरल सर्कुलेशन. ठीक है, अपन एलन टेस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन की प्रेजेंस की वजह से. अब कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होता है कि एक तरह से अनावश्यक रूप से ब्लड का सर्कुलेशन होना. ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि कोलेटरल सर्कुलेशन इज द अल्टरनेट सर्कुलेशन अराउंड ए ब्लॉकेड आर्टरी और वेन वाया अनदर पाथ. इट मींस जो कोलेटरल सर्कुलेशन है वो एक अल्टरनेट सर्कुलेशन है. किसके अल्टरनेट सर्कुलेशन है? जहां पे ब्लॉकेड आर्टरी है उसके चारों तरफ सर्कुलेट होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, असेस फैक्टर दैट मे बी अफेक्टेड द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स सच एज चेंज इन द ऑक्सीजन सेटिंग्स सक्शनिंग विद इन द पास्ट 20 मिनट्स एंड क्लाइंट एक्टिविटीज. ये फैक्टर में भी अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट. जो पेशेंट है उसको अपन इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे. ओके, नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या है? अप्लाई प्रेशर इमीडिएटली टू द पंचर साइट. जहां पे अपन पंचर करते हैं वहां पे प्रेशर इमीडिएटली अपन अप्लाई करेंगे फॉलोइंग द ब्लड ड्रॉ, क्योंकि वहां पे ब्लड निकलने से अपन रोकेंगे प्रेशर अप्लाई करके. ठीक है, मेंटेन द प्रेशर फॉर 5 मिनट्स और फॉर 10 मिनट्स. मिनिमम अपन को 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट तक वहां पे अपन वो प्रेशर मेंटेन करके रखना है कंटिन्यूसली. और अगर अपन लाइन से ले रहे हैं तो उसमें इतना उसमें प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन आर्टरी लाइन से लेते हैं. अगर अपन अनुदर पंचर करते हैं तब इफ द क्लाइंट टेकिंग एन एंटीकोगुलेंट. और ये क्यों रखते हैं प्रेशर? जब तक ब्लड का फ्लो होना बंद ना हो, बाहर निकलना बंद ना हो, तब तक रखते हैं. सेवंथ पॉइंट क्या है? देखिए, ऑन द लेबोरेटरी फॉर्म रिकॉर्ड द क्लाइंट्स टेम्परेचर एंड द टाइप ऑफ द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दैट द क्लाइंट इज रिसीविंग. ठीक है, अब लेबोरेटरी फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड अपन करेंगे टेम्परेचर वगैरह, ऑक्सीजन कितनी दे रहे हैं पेशेंट को, वो भी अपन सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं. ठीक है, अब एट पॉइंट देखिए, अप्रोप्रिएटली लेबल द स्पेसिमेन एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑन आइस टू द लेबोरेटरी. और अपन आइस के थ्रू अपन उसको भेज देंगे लैब के अंदर आइस के कंटेनर में. ठीक है, अब एलन टेस्ट की बात की थी तो ये क्या होता है और पंचर करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अपन फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट. पेशेंट को अपन को प्रोसीजर समझाना होगा, इसमें ये करना है अपन को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई प्रेशर ओवर द अर्नल एंड रेडियल आर्टरी सेम टाइम. ठीक है, ये प्रेशर अप्लाई करना है. ठीक, सेम टाइम में. आस्क द क्लाइंट टू ओपन एंड क्लोज द हैंड रिपीटेडली. रिलीज प्रेशर फ्रॉम द अर्नल आर्टरी व्हाइल कंप्रेसिंग द रेडियल आर्टरी. अगर अर्नल आर्टरी का अपन प्रेशर रिलीज करते हैं तो उसी टाइम अपन को रेडियल आर्टरी पे कंप्रेस करना है, प्रेस करना है वहां पर. ठीक है, असेस द कलर ऑफ द एस्टिमेटेड डिस्टल टू द प्रेशर पॉइंट. और अपन को कलर देखना है एस्टिमेटेड डिस्टल पार्ट का. ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट का, प्रेशर पॉइंट का. डॉक्यूमेंटिंग द फाइंडिंग. अब देखिए जी, ये अपन ने बात की क्या क्या पेशेंट को बताना चाहिए और कैसे अपन सैंपलिंग लेते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे सैंपल को अपन भेजते हैं. अब बात करने वाले हैं अपन नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीजी. ठीक है, अब देखिए नॉर्मल वैल्यूज की बात करते हैं तो इसके अंदर पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45. ओके, अब CO2 कितना होता है? 35 टू 45 mm ऑफ Hg की यूनिट है. ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 72 टू 104 mm ऑफ Hg. अब यहां पर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी है? 22 टू 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है,
और यहाँ पे सेचुरेशन कितना होता है, नॉर्मल सेचुरेशन 95 to 100%, ठीक है। अभी इंजन गैप कितना होता है, 12 ± 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन ने बात की है नॉर्मली एबीजी क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर एबीजी के अंदर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल वैल्यूज की बात की अपन ने, और कैसे इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।